नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आप सबका मोहित टेक्निकल साइट पे। आज मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आपके जो एग्जाम होने वाले हैं अक्टूबर सेशन वालों के लिए, उन सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो NIOS की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट जो जारी की गई है उसके लिए मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा क्या अपडेट आपके लिए शेयर किया है NIOS ने, और साथ में आपके रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखते रहें, वीडियो को स्किप मत करना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे, और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि जो NIOS की तरफ से क्या लेटेस्ट अपडेट आपके लिए आई है, और साथ में जो आपके रिलेटेड में इन्फॉर्मेशन पहले मैं वो बता देता हूं। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि आपके जो एग्जामिनेशन फीस और TMA की लास्ट डेट आ चुकी है। TMA की लास्ट डेट जैसे आप सबको पता ही है आपकी लास्ट डेट 31 अगस्त है, उसी तरीके से आपकी जो 16 अगस्त है वो आपकी एग्जाम फीस की लास्ट डेट है। वो एग्जाम फीस की लास्ट डेट जिसमें आपको लेट फीस नहीं भरनी है, उसके बाद आपको जो है लेट फीस भरने की भी डेट एक्सटेंड मिली हुई है। आप उसके बाद भरेंगे 16 अगस्त के बाद तो आपको लेट फीस भरनी पड़ेगी। जैसे कि आप सबको पता है कि जो 16 अगस्त है वो बहुत पास आ चुकी है और 31 अगस्त भी बहुत पास आ चुकी है। तो NIOS की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके जो है कई बच्चों ने अभी तक एग्जामिनेशन फीस सबमिट नहीं करी है, और साथ में कई बच्चों ने अपना TMA भी सबमिट नहीं करा है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, जितनी जल्द से जल्द हो सके अपने एग्जामिनेशन फीस भी भर दें और साथ में अपना TMA भी सबमिट कर दें, ताकि अगर प्रमोशन के चांसेस बनते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे जो है प्रमोशन के लिए मांग कर रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन कैंसिल के लिए मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम इस बार जो है अक्टूबर सेशन वालों के लिए भी कैंसिल किए जाए, क्योंकि जो जून वालों के लिए कैंसिल किए गए थे उनके COVID-19 के केसेस की वजह से, इसी वजह से अभी भी COVID-19 के केसेस जो है कम नहीं हुए हैं, तो इस वजह से अक्टूबर सेशन वाले भी बोल रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम जो है कैंसिल होने चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, पहले अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट कीजिए, जैसे कि आपको एग्जामिनेशन फ़ीस भरनी है और अपना TMA सबमिट करना है, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे आपके जो है मार्क्स लगने वाले हैं, आपका रिजल्ट जो है तैयार होगा। तो उसके लिए सबसे पहले प्रिपरेशन कर लीजिए ताकि आपको कोई फ्यूचर में दिक्कत ना आए। अगर आपके प्रमोशन होता है या फिर आपका एग्ज़ाम भी होता है तो आपके एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज जो होगा आपके एग्जामिनेशन फीस के बेसिस पे ही होगा। और जो दूसरी अपडेट है NIOS की तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शेड्यूल बन सकता है आपके NIOS की तरफ से जो आया हुआ है। अगर कोई भी दिक्कत नहीं आती है, अगर कोई भी सिचुएशन ख़राब नहीं होती है, मैं जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, जो NIOS की तरफ से जो अक्टूबर एग्जाम्स के लिए कुछ एग्ज़ाम डेट्स वगैरह निकाली गई हैं, यहाँ पर 10th and 12th दोनों के लिए है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 10th और 12th दोनों के लिए है। जो आपकी जो डेट शीट जो रिलीज़ की जाएगी वो आपकी डेट शीट जो है 1st week of September में रिलीज़ कर दी जाएगी। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर मतलब अब जल्द ही आने वाला है, अगस्त ख़त्म होने को ही है, उसके बाद आपकी जो डेट शीट है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। इसी तरीके से जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है, प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड भी आपका निकाल दिया जाएगा। प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड मतलब आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने हैं उसके लिए एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो वो एडमिट कार्ड आपके 2nd week of September में आ जाएगा। इसी तरीके से जो आपके एग्ज़ाम की प्रैक्टिकल डेट्स हैं वो लास्ट वीक में ख़त्म कर दी जाएंगी, मतलब आपके लास्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर तक आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो ओवर हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपका थ्योरी एग्ज़ाम्स के बारे में आएगा, थ्योरी एग्ज़ाम्स का जो एडमिट कार्ड है उसके 1 से 2 दिन बाद आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा थ्योरी एग्ज़ाम्स के लिए, फिर आपका जो थ्योरी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अक्टूबर में शुरू होने की संभावना है। मतलब लेकिन अक्टूबर में जिस तरीके से सिचुएशन है, NIOS की तरफ से अपडेट आ रही है कि आपके जो अक्टूबर में एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन इस हिसाब से जो आपके अक्टूबर में एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो एक्सटेंड होंगे, वो नवंबर तक जाएंगे, नवंबर के एंड तक जाएंगे, तब जाके आपके जो एग्ज़ाम्स हैं थ्योरी के वो एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। इसी तरीके से आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की डेट भी एक्सटेंड होने वाली है। तो उससे पहले आप जल्द से जल्द अपना TMA और अपनी एग्जामिनेशन फ़ीस भर दें ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। और जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है आपका जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन इस हिसाब से अगर आपके एग्ज़ाम लेट होंगे तो आपका रिज़ल्ट भी जो है थोड़ा लेट डिक्लेयर किया जाएगा। जितने लेट आपके एग्ज़ाम्स होंगे उतनी ही लेट आपका रिज़ल्ट डिक्लेरेशन होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो आपके NIOS की तरफ से आ रही थी अक्टूबर सेशन वालों के लिए। तो जितना मुझे पता है उतना मैंने आप सबको बताया, और साथ में जो NIOS की तरफ से अपडेट आई थी उतनी मैंने आपको बताई। और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए NIOS की तरफ से जितनी अपडेट्स आती हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जैसे ही मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।